अस्सलाम वालेकुम। मैं भाईजान 20 साल से इस फ्रूट का फील्ड के अंदर हूँ और जितनी महंगाई इस दफ़ा मैंने देखी है कभी ज़िंदगी में नहीं। पहले 100-200 रुपए पेटी महंगा महंगी होया करती थी, अब 500 और 1000 रुपए पेटी महंगी हो जाती है और पता ही नहीं लगता कि आज 60 रुपए किलो है, कल 150 रुपए किलो है और मज़ीद इतनी महंगाई है कि हम लोग खुद भी परेशान हैं, हम लोग भी तकलीफ के अंदर हैं। अगर ये आइटम सस्ते होते हैं तो हमें भी 2 पैसे की मजदूरी होती है, महंगे होते हैं तो हमें भी मजदूरी नहीं होती और आवाम से फिर बदतमीजी का सामना होता है। क्यों आवाम में इतनी कुवत है खरीद नहीं है कि वो महंगाई अफोर्ड करे, और बहुत ही डबल ट्रिपल गुना महंगाई है ये, जिसकी वजह से आवाम तकलीफ में है। केला देख लें आप, 500 रुपये किलो है, 500 रुपये दर्जन है। सेब 400 रुपये किलो है, खरबूजा 150 रुपये किलो है। रमजानों से 3 दिन पहले खरबूजा 70 रुपए किलो और 60 रुपए किलो बिक रहा था, आज खरबूजा हम जमीन से खरीदारी करते हैं, खरबूजा जमीन से हमारे को 4500 रुपए मन मिला है, जबकि जमीन से पहले खरबूजा हमारे को मिल रहा था 1600 रुपए और 1200 रुपए मन मिल रहा था, जिसकी बिना पर हम 60 रुपए किलो, 1600 रुपए मन मिलता था जिसमें 60 रुपए किलो हम बेचते थे, 60 और 50। अब हम लोगों को 45 रुपए किलो पहले रोजे को 45 रुपए मन के 4500 रुपए मन के हिसाब से मिला है, और हमारा पपीता 150-140 चल रहा था रमजान से पहले और अभी वही रेट है। पपीते के हमारे रेट नहीं बढ़े हैं। एक तरबूज है, तरबूज 100 रुपए किलो और 80 रुपए किलो है, तरबूज की अभी आमद नहीं है, इंशाल्लाह आमद हो जाएगी, ये भी 50-60 रुपए किलो पे आएगा। जफर अब्बास ने बायकॉट का ऐलान किया था, 3 से 4 दिन इसका बहुत फर्क पड़ा है और इसका काफ़ी असर हुआ है, काफ़ी दाग नहीं है। सेब का भी बायकॉट है, खरबूजे का भी बायकॉट है, केले का भी बायकॉट है। केला 400 और 500 रुपये दर्जन बिक रहा था, अब मजीद 150 रुपये दर्जन बेच रहे हैं लोग, लेकिन आगे से सस्ता नहीं मिला है, दाग नहीं होने की सूरत में 150 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। तो गरीब आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए, रोजदार है, रोजदारों के लिए रिलीफ होना चाहिए। हमारे को हम लोगों को मंडी से सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे।